बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है, जो कि कई मायनों में बेहद ही ज्यादा खास रहा, इमोशनल रहा, एंटरटेनिंग रहा और फुल ऑन धमाकेदार रहा, क्योंकि आज के एपिसोड में एक बार फिर से इन घर के सदस्यों से मिलने के लिए आए थे उनके परिवार वाले, सिद्धार्थ शुक्ला की माँ, पारा छाबड़ा की माँ, रश्मि देसाई के भाई के बच्चे और इसके अलावा घर में इस दौरान काफी इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिले। तो साथ ही साथ घर वालों में कईयों को मिली सख्त चेतावनी। इसके अलावा घर में लड़ाई झगड़ों का भी माहौल देखने को मिला। विशाल आदित्य सिंह और आरती सिंह के बीच में झगड़ा, आसिम और आरती सिंह के बीच में झगड़ा, तो विशाल और बनीमा के बिहेवियर से घर वाले एक बार फिर से नाराज दिखे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आज का एपिसोड भी बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग रहा। तो चलिए जान लेते हैं आज के इस खास एपिसोड की हाइलाइट्स। तो घर में परिवार वालों के आने का सिलसिला यूं ही जारी रहता है। घर में एंट्री होती है सिद्धार्थ शुक्ला की माँ की। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला की माँ उनसे मुलाकात करती है और साथ ही साथ घर के बाकी सदस्यों से भी। मायरा शर्मा से बात करती हुई नजर आती है कि आप बेहद प्यारी हैं और आपको मैं प्यारी इसलिए लगी क्योंकि आप खुद प्यारी है। शहनाज गिल को लेकर कहते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की मेरे एंटरटेनमेंट का ख्याल रखती है, तो सिद्धार्थ की माँ कहती है कि ये सिर्फ तेरे ही नहीं बल्कि पूरे देश के एंटरटेनमेंट का ख्याल रखती है। आसिम रियाज को भी वो बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करती हुई नजर आती है और जब सिद्धार्थ शुक्ला से रश्मि देसाई अपनी को मिलवाते हैं, सिद्धार्थ कहते हैं कि मेरे पेशेंस का टेस्ट करती है और वो कहते हैं कि ये मेरा ख्याल रखते हैं और मैं इनका ख्याल रखती हूँ और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही ख्याल रखते हैं, साथ देते हैं। और सिद्धार्थ की माँ कहती है कि करना भी होगा और इस दौरान सिद्धार्थ की माँ उनसे मुलाकात करती है, उन्हें समझाती हुई नजर आती है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लोगों को तेरा फन साइड पसंद है और पूरे कपड़े पहना कर जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है क्योंकि तू हंसता है तो पूरा घर हंसता है। और इस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला की माँ सभी घर वालों से मुलाकात करती है और उन्हें उनकी अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में बताती हुई नजर आती है। इसके बाद घर में एंट्री होती है पारस छाबड़ा की माँ की। पारस अपनी माँ से मिलकर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और इस दौरान वो जैसे ही उनसे बात कर रहे होते हैं तो पारस की माँ सीधा मायरा के बारे में कहती हुई नजर आती है कि बेटा अब तुझे स्टैंड लेने की जरूरत है। मायरा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और पारस उन्हें अंदर लेकर चले जाते हैं। मायरा कहती हुई नजर आती है कि मुझे नहीं लग रहा कि आंटी जी मेरे साथ कंफर्टेबल है, थोड़ा वियर्ड लगा मुझे। सिद्धार्थ ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है यार। और अंदर जाकर पारस की माँ उन्हें कहती हुई नजर आती है कि तेरा जो भी चल रहा है मायरा के साथ वो कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। 36 आएंगे 36 जाएंगे, बेटा तेरी वाली तो सिर्फ तेरी माँ ही लेकर आएगी, तुझे जो लग रहा है वो कर, बट यही कहना चाहूंगी कि कुछ ऐसा मत कर देना कि तुझे बाहर आके पछतावा हो। इस दौरान पारस अपना साइड सामने रखते हुए नजर आते हैं और उनकी माँ कहती है कि बेटा जो कुछ भी है वो तेरा है, बट ये किसिंग सीन्स वगैरह जो भी दिखते ये नहीं होना चाहिए। और पारस कहते हुए नजर आते हैं कि मैं ख्याल रखूंगा क्योंकि माहिरा की माँ ने भी सेम बात कही है। इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ रह जाती है रश्मि देसाई और वो ये सब देखकर काफी इमोशनल हो जाती है, रोना शुरू कर देती है। तो सिद्धार्थ शुक्ला और बाकी घर वाले उन्हें संभालते हुए नजर आते हैं और इस दौरान सिद्धार्थ अपने हाथों से रश्मि को पानी पिलाते हैं और फिर घर में एंट्री होती है रश्मि देसाई के भाई के बच्चों की और उन्हें देखकर रश्मि काफी खुश नजर आती है, रोती हुई दिखती है और इन बच्चों के साथ बाकी घर वाले काफी इंजॉय करते हुए नजर आते हैं। रश्मि देसाई के भाई के बच्चे सिद्धार्थ और रश्मि की दोस्ती करवाते हैं और कहते हैं कि आप दोनों साथ में रहा करो, अच्छे लगते हो, और सिद्धार्थ अंकल आप दोनों दोस्ती कर लो, एक दूसरे को हक करो। और इस तरीके से रश्मि देसाई उन बच्चों को देखकर काफी खुश नजर आती हैं। इसके बाद बाहर गार्डन एरिया में बैठकर सिद्धार्थ शुक्ला उन बच्चों की तारीफ करते हुए नजर आते हैं कि बच्चे काफी बड़े हो गए हैं, उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे से की गई है, बहुत समझदार बच्चे हैं। और वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आरती कहती हुई नजर आती है कि विशाल खुद कोई रिग्रेट ही नहीं है कि इतनी बड़ी बात हो गई है। और इस बात से विशाल हो जाते हैं गुस्सा और कहते हैं कि रिग्रेट क्यों हूँ, मैं अभी भी गेम का हिस्सा हूँ। और आरती कहती है कि तू गेम का हिस्सा नहीं लेकिन फिर भी तुझे कोई पछतावा नहीं है। शहनाज कहती हुई नजर आती है कि बिग बॉस मुझे इतनी बात बोल रहे हैं मैं तो मरी जाऊं। विशाल उन्हें कहते हुए नजर आते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बन क्योंकि कोई फायदा नहीं है, अपने मुद्दे तो है नहीं, एक फाइल बना के घूमती है कि इसके मुद्दे में घुसना उसके मुद्दे में घुसना है। और आरती भी कह देती है कि इसी तरीके से मैं अभी तक चल रही हूँ, कुछ फालतू नहीं बोलती, ठीक है। तो वहीं आसिम रियाज भी आरती के इस बिहेवियर से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हुए नजर आते हैं कि वो तो ऑलरेडी पहले से परेशान है और तू उसे और क्यों ऐसे बोल रही है। और इस पर आरती कहते हुए नजर आती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन परेशान और कौन नहीं, मैं तो अपनी बात बोलूंगी, जो मुझे सही लगेगा वही। और आसिम के साथ भी उनका झगड़ा हो जाता है। इस दौरान घर में लड़ाई झगड़े का माहौल एक बार फिर से देखने को मिलता है और इसमें सारे घर वाले ही कूद पड़ते हैं। तो इस तरह से आज का एपिसोड इमोशनल रहा, चेतावनियों से भरा रहा, तो साथ ही लड़ाई झगड़ों से भी भरा रहा। तो दोस्तों ये थी बिग बॉस सीजन 13 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 111 की हाइलाइट्स। और इसी तरीके से स्टेडे सीजन के हर एपिसोड की हाइलाइट्स और सभी टेढ़ी चटपटी मसालेदार खबरों को यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।